मैं सुनील समीर आप सभी का चौपाल समाज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आयोजन के लिए आयोजकों को, क्योंकि हमारे शिक्षकों को इन्होंने सम्मानित किया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद 5 सितंबर की शिक्षक सम्मान समारोह कहीं भव्य रूप में आयोजित होते हुए नहीं देख रहा हूँ। मैं सोचा था कि कुछ शिक्षकों को सम्मानित करूं, लेकिन कार्य व्यस्तता बस मैं इस तरह के आयोजन अपनी ओर से नहीं कर सका। लेकिन मैं देखा कि कई क्षेत्रों से कई क्या कहते हैं समूहों के द्वारा संस्थाओं के द्वारा शिक्षकों का सम्मान का जो सिलसिला चला वो कई स्तर पर चल रहा है, और इस प्रकार से न्यूज 9 नेटवर्क के द्वारा जो यह भव्य आयोजन किया गया है, मैं समझता हूँ कि शिक्षक दिवस नहीं यह शिक्षक मान समारोह चल रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सम्मान समारोह के लिए मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप शिक्षकों का नाम दें, तो मेरी जानकारी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ कुछ ही दिनों से जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में हूँ। फील्ड में जाने का अवसर तो मिला है, लेकिन बहुत कम। मैं बहुत नजदीक से शिक्षकों की गतिविधियों को अभी परख नहीं पाया, लेकिन फिर भी आप लोगों की ओर से मैंने केवल इतना ही कहा था कि हमारे शिक्षक सम्मानित होने चाहिए। शिक्षक जो शिक्षा देने का काम करते हैं, थोड़ी सी बात हमने ये कह दी थी कि कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं हमारे यहाँ जो शिक्षक को है लेकिन शिक्षा से थोड़ा सा अटने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं, आप लोग यदि उनका नाम देंगे तो ये सही नहीं होगा, शिक्षकों का नाम आना चाहिए। और मैं समझता हूँ जितने नाम आए हैं वो सभी शिक्षक हैं, और सम्मानित होने के बाद आप लोगों की जिम्मेवारी शिक्षक के रूप में और अधिक बढ़ गई, विद्यालय के लिए भी और समाज के लिए। आप दृष्टांत पेश करेंगे कि आज जो यह सम्मान इस नेटवर्क के द्वारा आपको प्रदान किया गया है उसकी आप रक्षा करेंगे, ऐसे कार्य करेंगे जो आप आदर्श बनेंगे, ताकि आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगी और अगले सितंबर माह में भी वह शिक्षक दिवस नहीं बल्कि शिक्षक सम्मान मास के रूप में जाना जाए। आज के इस कार्यक्रम में मैं व्यक्तिगत कारणों से उपस्थित होने में मैं कठिनाई का अनुभव कर रहा था। वास्तव में मैं आयोजक को कह दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, कुछ व्यक्तिगत कारण ऐसे थे, लेकिन शायद मुझे यहाँ आना था, वो जो बाधा थी वो दूर हो गई, विलंब से सही, लेकिन मैं आप लोगों के बीच आ गया। इस तरह के कार्यक्रम में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जहां पर मैं ये देखूं कि हमारे शिक्षक वृंद सम्मानित हो रहे हैं। सर ने जैसा कहा कि शिक्षकों को हमेशा शिक्षा से जुड़ा रहना चाहिए, जुड़े रहने के लिए अध्ययनशील होना आवश्यक होता है। कहा भी गया है
कि अजरा मर्मत्रागियो विद्याम अर्थम च चिंतयेत। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को विद्या और अर्थ चिंतन में के क्रम में अपने को अजर और अमर समझना चाहिए। तात्पर्य यह है, लेकिन अर्थ और विद्या में चर्चा पहले विद्या की, विद्याम तब अर्थम। तो विद्या के चिंतन के क्रम में व्यक्ति को कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं बहुत पढ़ लिख लिया, मेरी योग्यताएं बहुत काफी हो गई, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद में पीएचडी हमने हासिल कर ली। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि आप अध्ययनशील रहेंगे तभी आप नहीं पाएंगे वास्तव में शिक्षक रह पाएंगे, अन्यथा विद्या तो विद्या है, यदि इसको बांटेंगे नहीं तो आप से हट जाएगी। तो हम आप लोगों से केवल यही आग्रह करेंगे कि आप सदा अध्ययन सुन रहे, पढ़ते रहे और छात्रों को विद्या बांटते रहे। और आज सम्मानित होकर इस कार्य का आप लोग आप स्वयं करें, अपने वाले सभी शिक्षकों को भी अपने आचरण से, अपने व्यवहार से आप करें, ताकि शिक्षा का करके नया कोशिश है। संतोष भाई के बारे में मंत्री महोदय ने कहा है, मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि हमारे जिले के विद्यालय भी स्मार्ट हो रहे हैं, स्मार्ट कक्षा विद्यालयों में प्रारंभ है। मैं 224 जिले के 224 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट मैंने किए जाने हेतु राशि वितरित कर दी गई है, और उसमें से बहुत सारे स्मार्ट हो भी गए हैं। स्थानीय कारणों से कहीं कहीं वो प्रारंभ नहीं हुआ है, वो भी तो 224 जहां तक मुझे ज्ञात है, इस जिले में 252 हाई स्कूल हैं, जो आज के समय में वो उच्चतर माध्यमिक यानी इंटरमीडिएट के स्तर के विद्यालय हो चुके हैं, और सभी विद्यालय राज्य सरकार के द्वारा सभी में स्मार्ट कार्ड प्रारंभ किया जा रहा है। 224 हो गया, शेष भी कुछ ही जिलों में स्मार्ट किए जाए। हम मैं समझता हूं कि हमारे कई चर्चाओं में नियमित नियोजित इस तरह की जो बातें आती हैं, उन सबों से हम कभी अवगत हैं, लेकिन वास्तव में आप शिक्षक ही हैं और शिक्षक ही रहेंगे। और मैं समझता हूं कि शिक्षक का सम्मान, शिक्षक की पूजा बहुत बड़ी। मैंने पढ़ा है कि यत्र नारयस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। ये सही बात, लेकिन मैं अपनी ओर से जुड़ा है कि यत्र शिक्षकाः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र वैभवा। जिस समाज में शिक्षकों की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, वहां वैभव रमण करते, वहां समृद्धि आती। अरे वास्तविकता है, अरे अभी दूर नहीं कि आपका खोया हुआ आदर, हाँ कुछ कारणों से हमारे शिक्षक समाज का आदर कुछ घटा है समाज में, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं समाज का। लेकिन और निकट भविष्य में वो सारे कालुष्य दूर हो गए। आज ही मुझे पता चला है इस मध्य जो सिटी है मुजफ्फरपुर का, मध्यान्ह भोजन का एक क्या कहते हैं नव प्रयास संस्था, वो शुरू करने जा रहा है। हो सकता है कि उसके शिक्षकों को हमारे कम से कम यहाँ के तो मुक्त हो जाएंगे, उसके कारण भी कुछ दोषारोपण हुआ, तो इस दिशा में काम बढ़ रहे हैं। और आप वास्तव में शिक्षक रहेंगे और आपका सम्मान भी बढ़ेगा, और इसलिए सम्मान बढ़ेगा
कि इस देश को, इस नगर को, इस राज्य को वैभव की आवश्यकता है। मैं विशेष नहीं कहूंगा क्योंकि सब लोग बड़े दर्शक हैं, फिर बातें होंगी। इन्हीं सभी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको।